सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइव इन फिटनेस एंड स्टफ। तो सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज का सेटअप देख के आपको ये लगा होगा कि अभी ब्लॉग वगैरह मतलब बाहर का कुछ नहीं है। आज लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग लाइक अभी मैं देखता हूँ आज के यूथ को। सो दे आर बिट कन्फ्यूज बिटवीन वेट लॉस एंड मसल लॉस। लाइक एक्चुअली वो फैट लॉस करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम हाफ नॉलेज और समथिंग दे आर लूजिंग देयर मसल अलॉन्ग विद द फैट। सो यस, अभी आज के इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड मसल लॉस। सो फर्स्टली वील टॉक अबाउट फैट लॉस। ओके, सो फैट लॉस में लाइक लोग क्या करते हैं कि खाना कम कर देते हैं एंड बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं। ओके, कार्डियो इज गुड बट खाना कम करना और बंद करना टोटली, लाइक कोई तो एक मील भी स्किप कर देता है। सो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइक खाना चाहिए बट वी शुड बी सिलेक्टिव हेल्दी एंड लाइक जंक फूड टोटली बंद कर देना चाहिए, ऑल बिस्किट्स रिगार्डिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल। सो गाइज, अभी देखो आपने फैट लॉस किया बट फैट लॉस के अलावा मसल लॉस भी हुआ तो आपकी बॉडी ऐसे पतली रहेगी, मतलब ऐसे फिट नहीं लगोगे आप। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना। सो उसके लिए हमें पहले तो एक प्रोपोर्शन में मील अपनी प्रिपेयर करनी होगी, प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए और उसके बाद ज़्यादा कार्डियो नहीं करना। अभी जैसा कि मैंने कहा लाइक इसके लिए प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादातर बंदे और बंदियाँ क्या करते हैं, उनको वेट लॉस करना है तो डायरेक्ट सलाड वगैरह खाने लगते हैं, सिर्फ कुकुम्बर कैरेट वगैरह, बट बेसिकली इससे वो मसल लॉस भी हो जाता है। इसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन इज़ नॉट बैड फॉर बॉडी, ओके, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसकी वजह से हम ऐसे फिट एंड यू नो एक ऐसे व्हाट इज टोन्ड रिप्ड बॉडी लगती है बिकॉज ऑफ प्रोटीन। सो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको प्रोटीन इंटेक कम नहीं करना। कार्ब्स थोड़े कट डाउन कर सकते हो आपके पर्सनल ट्रेनर या किसी के सजेशन से। एंड लाइक सी, देर इज अ बेसिक, इफ यू मतलब आपका जब मसल लॉस होता है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मसल मास कम हो जाता है तो उसके कारण हमारा जो फेस का ग्लो रहता है वो भी कम हो जाता है, जैसे वीक फील करने लगते हैं हम, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाती है। सो आपको यही ध्यान में रखना है कि फैट लॉस, सिर्फ फैट लॉस पे ध्यान देना है, मसल मास पे लॉस नहीं होना चाहिए। और इसके अभी डिफरेंस में बताता हूँ आपको। सो देखो, अभी लास्ट एक कंक्लूजन पे आते हैं, लाइक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मसल लॉस एंड फैट लॉस। सो मसल लॉस में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, फैट लॉस में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो अभी मसल लॉस में आपकी जो इफ मसल लॉस कम हो गया आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से एजिंग फास्ट होती है। और ऑन द अदर साइड इफ सिर्फ फैट लॉस हुआ उसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और आप ऐसे लाइक यंग दिखते हो। ओके, तो हो गया मसल लॉस एंड फैट लॉस के बारे में। एक और चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है, जब लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उसकी वजह से भी उनका वेट कम हो जाता है। सो उसका भी एक कारण, एक साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, लाइक जब लोग स्ट्रेस लेते तो एक हार्मोन रिलीज होता है उसमें, सो उसकी वजह से CRH हार्मोन जो रहता है बॉडी में वो रिलीज हो जाता है। CRH का फुल फॉर्म है कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ये जो है ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बॉडी में रिलीज हो जाता है और उसकी वजह से एक रिएक्शन होती है बॉडी में, उसकी वजह से जो फैट और वेट है वो कम हो जाता है जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना, कंट्रोल करना इमोशंस को। अभी इमोशंस बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। सो यस, आपको वो कंट्रोल करना है इफ आपको वेट मतलब वेट लॉस नहीं करना और आपको सच में फिटनेस पे ध्यान देना है तो एक बात ध्यान रखो, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो या कुछ फैमिली इशू हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादातर, बिकॉज दिस इज़ बैड फॉर योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एज वेल। सो ऑलराइट, आई थिंक आई हैव कवर्ड द टॉपिक, सो लेट्स रैप अप विद द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट कीप लविंग, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। पानी चाय में पानी, हाथ में कारोबारी, नाका खाली, भारी थाली, सर पे जिम्मेदारी।